हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों आपको जानकारी देने वाले हैं रोजावेल 20 mg टेबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रोजावेल 20 mg टेबलेट के बारे में आपको बताएंगे कि इस टेबलेट के आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी पैकिंग है, क्या क्या सॉल्ट इसमें डाले गए हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी पर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। रोजावेल 20 टेबलेट जो है दोस्तों, इसको बनाया जाता है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा। ओके, अगर सॉल्ट की बात की जाए तो इसमें दोस्तों सॉल्ट डाला गया जिसका नाम है रोजुवास्टेटिन। ठीक है, जो कि 20 mg के रूप में इस टेबलेट में डाला गया है। ओके, प्राइस और पैकिंग के बारे में दोस्तों बात की जाए तो इसके 10 खुलियों की पैकिंग के एक स्ट्रिप का इसका प्राइस है लगभग 430 रुपये के करीब। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, इसके फायदों के बारे में। तो दोस्तों रोजावेल 20 टेबलेट का उपयोग किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज करने के लिए। ठीक है, और दिल के दौरे और स्ट्रोक की रोकथाम के लिए। तो पहले हम बात करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल में कैसे प्रभावी है ये टेबलेट। तो दोस्तों रोजावेल 20 mg टेबलेट जो है स्टेटिन नामक दवाओं के ग्रुप से संबंधित है। यह आपके रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाकर काम करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने से क्या दोस्तों, दिल के रोगों की संभावना जो है हमारी बॉडी में कम हो जाती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ जीने में मदद मिलती है। सेकेंड नंबर दोस्तों, हार्ट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम में कैसे उपयोगी है रोजावेल 20। तो दोस्तों क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल जो है आपके रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण कर सकता है और आपको स्ट्रोक या हृदय रोग होने के जोखिम में भी डाल सकता है। तो इस वसा की मात्रा को कम करने से ऐसा होने की संभावना जो है कम हो जाती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिलती है। तो अगर आप दोस्तों अच्छा महसूस कर रहे हो तो भी इस दवा को जो है आप लेते रहें, दवा को जो है अपने डॉक्टर से पूछे बिना बंद ना करें। अब हम दोस्तों बात करते हैं रोजावेल टेबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो दोस्तों कुछ 4-5 कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, सर दर्द, पेट में दर्द, चक्कर आना, जोड़ों का दर्द और जी मचलना। ठीक है, अब दोस्तों ज़्यादातर साइड इफेक्ट में क्या है, डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है और जैसे ही आपका शरीर जब दवा के हिसाब से ढल जाता है तो साइड इफेक्ट्स भी अपने आप आपकी बॉडी से समाप्त हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहे, आपको लंबे समय तक परेशान करने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि रोजावेल टेबलेट जो है ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में। तो दोस्तों ये टेबलेट जो है एक लिपिड कम करने वाली दवा है जिसे स्टेटिन कहा जाता है। तो यह क्या है दोस्तों, शरीर द्वारा कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम जो होता है उसको ख़त्म करने का काम करती है, जिससे क्या है कि खराब कोलेस्ट्रॉल होता है और जो ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको कम करने में मदद मिलती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है हमारी बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताया जाए तो दोस्तों इसके अलावा मतलब कि जैसे कि गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं जो होती हैं उनको इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये टेबलेट जो है विकासशील बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। ठीक है, और शुगर के रोगियों को इस दवा को लेते समय दोस्तों अपने शुगर लेवल के जो है निगरानी भी करानी चाहिए, उनकी जाँच वगैरह जो है करवानी चाहिए, क्योंकि इससे दोस्तों क्या है कि शुगर में भी ग्रोथ मतलब कि शुगर का लेवल जो है इसमें भी बढ़ सकता है इस दवा के सेवन से। तो ये थी जानकारी दोस्तों रोजावेल 20 mg टेबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी इजीली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी तो वीडियो को जो है जरूर करें लाइक एंड चैनल को दोस्तों कर लें सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं करनी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। ओके।